जयकाल वो लोग देख लिए पक्की बात है। मम्मी इनने कही थी बेटे पढ़ाई करवा दी मैंने मम्मी आज इनने बेरा के करया इनकी के प्लानिंग हुई ने बोले बोलिया देखिए आज तने रोटी ना बनानी पड़ा देखिए तेरे लिए केक करूंगा। हेलो गाइस वेलकम बैक टू राणा फैमिली ब्लॉग। सुबह का टाइम हो गया हम सारे उठ के सारा काम निपटा भी लिया जब मैं क्योंकि आज था सैटरडे तो पोछा पाछा लगाना नहीं था और आज मैंने बनाए पराठे और हरी मिर्च का अचार और दूध गरम गरम अरे जी निकल कर आ गए हैं क्या नुहा धुआ कर रेडी करके सुहा दिया था मम्मी भी नहा ये सो रहा है क्या उसे तो एक बार ये फटाफट से खाना खा लेंगे फिर मैं नहा के और फिर क्या से संभालेंगे क्योंकि हम सोचा है कि खाना बना खा कर फ्री हो जाऊंगा उसके बाद क्या से देखेंगे इधर मेरा दूध भी गर्म हो गया। हम सारे दूध ले आए सुबह सुबह क्योंकि सारे बीमार हो रहे हैं लस्सी हम बनाते हैं कौन सारे दूध ले आए हैं मैं भी ला ली हूँ नहा के बाहर आई हूँ तो देखा तुमने सारा सब कुछ चेंज हो पाया इतनी देर में मम्मी के पास ताई जी की कॉल आई हूँ बात कर रही है मम्मी ने क्या सिवा दिया और ईब मैं गई ना जब तक सारे जागे थे मम्मी हम जा गई फिलहाल तो इतने देर में क्या सो लिया और ये भी सो लिया फिर देखियो कदे मैं तो दिन में कभी सोया ही कौन नहीं करता ये देख लो कितने आराम से सोया है ये अरे उठे उठने का देंगे नहीं तो कुछ दिन में सोया है कौन नहीं करता ये सोया है हर देखो ये हम सोएंगे ना हमने कैमरे में कैच कर लेंगे कि देखो ये सोए सोए और आज मैंने ये कर लिए ये सही मौके पर फंसी है जी। तो गाइस पता नहीं क्या हुआ सुबह खाना वाना खा के भाई मैं जिम करके आया वैसे थक गया था और आज तो खाना खाते ही बिना नहाए ही सो गया अभी उठा हूँ दोपहर के 1:30 का टाइम हो चुका है तो एक बार नहा लेता हूँ पहले तो ठीक है भाई नींद इकट्ठी हो रही थी 2-3 दिन की पता नहीं नींद कम आ रही थी और हल्का सा बन गया थकान महसूस होगी तो इसको बोला था चावल बनाने के लिए कि डाइट भी हो जाएगी थोड़ी थोड़ी मेरी तो ये बना रही है चावल नमकीन चावल पुलाव तो ये इन्होंने प्याज और टमाटर कट कर लिए हैं आलू पनीर वाले बना दे रखा है ना पनीर हाँ तो पनीर को फ्राई करके पनीर वाले बना दे तो अभी बनाएगी फिर मिलवाते हैं आपसे तब तक मैं नहा लेता हूँ झटाफट मम्मी ने आके यहाँ उसको सुला दिया है और भाई मौसम बताना कैसा हो गया मौसम बिल्कुल देखो गुस्से में सो रहा है आज तो मम्मी भी चाली किचन में नमकीन चावल मौसम ऐसा हो गया अके देख लो फिलहाल हमने पंखे बंद कर रखे हैं कहाँ पे कैसा हुआ है बताना बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही बिल्कुल भी बिल्कुल नॉर्मल मौसम हो गया अभी ठंड आ जाएगी बेटे मम्मी भी आ गई है किचन में ये यहाँ पे लगे हुए हैं मम्मी ये दोनों और भाई कल आप लोगों ने देखा वो हम नारनौर साइड गए हुए थे तो वो भी कुछ क्या बात है उसके क्या बोलते हैं मतलब रीजन है अभी ना बताने का कुछ दिन बाद आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे वो बड़ी खुशखबरी है सबके साथ ठीक है सबके लिए तो वो शेयर करेंगे जल्दी ही ठीक है। हाँ दिन में भी क्या इतना ना सोया था क्योंकि जब मैं उठ गया था मैं बताऊं थी सोया है जब ब्लॉग शूट कर क्या फोन टेक आया था इतना ये उठ गया था मेरे चौल बन गए तीनों के लिए आई मैं ये मैं डाल दिए हैं अपने तीनों के और एक बार फ्रिज में से दूध भी निकाला है तुम्हें दूध हमने चावल वाला खाई थी वो भी बिल्कुल फ्री और आज मेरे दिमाग में आया एक आइडिया ये हमारे कैमरा मैन हो गया आज आइडिया क्या होगा कि आज हम करेंगे मम्मी में प्रैंक मम्मी कैंस को लेकर गई है वहाँ बोल सॉरी मम्मी कैंस को लेकर गई है बाहर गा नहीं आए क्या सुबह तक गाते रोते दिन गई है और हम मम्मी घर पर है मम्मी पर आज प्रैंक होगा क्या मम्मी आओगी आते ही बोलना है कि मम्मी मेरे ना अचानक है ना तेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था और हम हॉस्पिटल में गए थे ठीक है ना मम्मी तेरे को कहेंगे कि हॉस्पिटल में गए थे
है, मतलब कि मेरे पेट में दर्द हो गया था। मेरे कई बार होता रहा है, आपने पता कर दिया। मैंने मुझे लगे कि मम्मी हम हॉस्पिटल में गए थे और डॉक्टर बोले कि इसका पथरी है, ऑपरेशन हो गया। हाँ ठीक है, मम्मी प्रैंक करेंगे ना। हाँ फिर मम्मी क्या कह रहे हैं, क्या ना कहती, देखेंगे सारे। मेरा ना मेरा वो ही है, मेरे टीका लेके क्या करूँ, पेट में दर्द हो रहा है। हाँ आप ज्यादातर मेरे चावल खाए तो होया करे, ठीक है। तो ये मम्मी पर ना श्याम, चलो गाइस दिखाते हैं श्याम ने, श्याम ने की बात है मम्मी, और थोड़ी बहुत देर में वैसे ही मम्मी भी ना 6 बजे, मम्मी कम से कम 7 बजे आओगी, मम्मी बाहर घूमने वाले से है। तो मम्मी कह रहे जो प्रैंक आएंगे ना हम साथ दिखाओगे, आपने कितने मजे लेंगे आज मम्मी के, और घर पर कोई है भी कौन नहीं मारते इतना के अलावा। भाई जैसे हमारा प्लान था ना, मम्मी आ चुकी है, और भाई अब इसको मैंने यहाँ पे बोल दिया, मैं कहा राम तल लेट जा गुड्डे, मैं कहा पेट में गुड्डे दे के, ठीक है। तो अभी यार लेट गई है राम तय, तो एक बार मम्मी आ गई है, मम्मी लगाने लगी आते ही जोत, और किया उसको दिया सुला, ठीक है। किया उसको देख लो यहीं पर सुला दिया है, सोता आया मम्मी के साथ में किया से, अरे यहाँ यार लोटी है। मम्मी ने बड़ी जोत लगाई, मकान ना ना लगाई इस तरह के मारे, मगा मम्मी सो है बात है, मैंने क्यों कह दी ना बार बार रुक के मारन लग रही थी। मम्मी ने दी एक रहा जो उतना लाई, मैं मम्मी सो गए उसके मारा तकलीफ हो गई, लगी तकलीफ होगी तो ठीक थी यार में, तो रुक जाओ कुछ मरता हूँ, मम्मी जो उतना लग रही मैं दिखाता हूँ। तो मम्मी लोटी उसका तकलीफ सी, क्या तकलीफ हो रही थी ना, एक पेट में दर्द हो गया था, क्या हो गया आज दिखाऊंगा बताऊंगा। एक चावल खाते नहीं हुआ करे, तो भाई चावल जरूरी है खाने, इसका तो पेट में दर्द इतना कड़ा उठ गया था, याड़े चुगली में नहीं क्लिनिक इस पे लेके गया था, जब जाकर इंजेक्शन लगाया और गोली दवाई दी हमें बाहर रखी फ्रिज पे, गड़े खा लिए चावल किस तो खाए के होया, इससे पहले भी कहीं पे खाया करती, पर पहले एक बार गाँव में नहीं हुआ था, यार्ड दिखा के लाए हैं कल, फिर डॉक्टर ने बोली है कि भाई दूसरे हॉस्पिटल में दिखाओ, के बता डॉक्टर ने पथरी क्या बता है, पथरी क्या बताइए मैंने, कितने एमएम कह रहा था, कितने कह रहा था यार्ड पास हूँ उसी में, कल होगा अल्ट्रासाउंड ना होया यहाँ पे, यहाँ तो खाली उसने नॉर्मल दवाई दी है दर्द कम करने के लिए, गोली सुबह लगाया है या पहले खा रही है ना चावल गणी, कितने पे खाए रे बीच में कई बार, जब ना आज क्यों होया, नमकीन खाए होंगे, नमकीन मैंने खिचड़ी खा लिया, तरी चावल लस्सी में लाकर खाया, सुखी लस्सी को ना 2-3 दिन हो गए खासी के, करवाना पड़ेगा तो कल वो सुबह सीटी स्कैन अल्ट्रासाउंड वो चीज बोली है, फिर दोबारा चेक करवाना है, तो फिर कल उस हॉस्पिटल में चेक करवा लेंगे, जिज्जा अगर आप दिखाया करें, घर में क्यों होया कर बीमारी वारी, तो ये तो चलती रहा कर, मौसम चेंज में तेरे तो हरकत बुखार बन गया था, जुकाम खांसी हुआ था, कियांश की जुकाम खांसी था, वो चीज थोड़ी हो रही है, वो तो कोई बात ना हो जाएगा, ये बावड़ जगह सुनते सुनते सो है मम्मी उठेगा, फिर चेक करेगा गोली रखी है, गोली देनी है, एक रोटी खवा गए, एक दो रोटी जिस भी बावे इसने, दो रोटी बना दे मम्मी ना, तो मैं चावल खा लूंगा, मैं तो रखे नमकीन चावल ना मन चावल भी, मतलब मैं थोड़ा डाइट कर रहा हूँ, अगर ना दे किसी ने ना खाने चावल भी ना, मैं तो वैसे भी चावल खाऊंगा, मैंने अपने आप क्या क्या बनवाई देख लिए,
ਉਹਨੇ ਕਿ ਲਖਾ ਤੇ ਪੱਲੇ ਕਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿਉ ਹਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੂਗੀ ਦੇਖ ਲੈ ਹਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿਉ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਲੈ ਲਈਏ ਪੱਲ ਲਗਣਾ ਨਾਟੇ ਤੇ ਡੋਕਟਰ ਹਾਂ ਨਾਟੇ ਕੇ ਡੋਕਟਰ ਪੱਲ ਲਗਣਾ ਹਾਂ ਪਤਰੀ ਬਤਾ ਰੋ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ नमकीन चावल ना खाती ना मन तो अपने थी बनवाई थी मैं तो चुकर आज तो आड़े थी तू भी मम्मी आड़े थे आज तो दिन में कह के मैंने बनवाए थे मेरा बन करया था मगा पनीर भी रखा पनीर वाले चावल बनवा ले मेरे तो जुगर जिम करने लग गया मैं तो अपना थोड़ा नहीं सोचू मगा फिट हो जाएगा शरीर वेट लूज सा करूं हल्का सा अपना बाहर खाया ये गर्म चावल नहीं लिया होगा बस ठीक है वेदर है रिब्बे कितने वे 10 किलो रखता मैं उनका कना का खाडांगे खीर बनाऊंगी रोज के बताओ बना के काट दूंगी आप खत्म हो जाएंगे फिर यह बनाओगे फिर क्या करेगी चलो ठीक है मैं तो नहीं लाऊंगा आगे हाँ, हो जाएगा वो तो सारी चीज ठीक हो जाए कोई दिक्कत को ना बर्कल थोड़ा अल्ट्रासाउंड करवा लेके बाद देखेंगे दर्द है फिर फिलहाल तो उठ का हांड फिर न्यू पेट में कोटे दे के पड़ी बता रोटी राटी बना लेगी रोटी रोटी दे देखियो भाई क्या आंसर भी कितना बोधा हो गया बोधले ना भाई इस घर में के मैं आग ला रही हूं तब आप कुछ आग नहीं लग रही किसी बार ठीक है हो जाग रही है सब चीज तो आने जाने चीज है भाई बीमारी की कोई ऐसी बड़ी बात ना है ठीक है आने जाने चीज होती है एक टेंशन मत था दूसरी खड़ी कर दो भाई गेरा ना गेरा सावर है लग रही तो भाई मम्मी ने बना दी रोटी भाई बना दी मम्मी रोटी बना के रख दी है भाई रोटी मम्मी ने ये बाड़ी तो आटा आटा गिर गया स्पाइस पूरी तरह मैं तो अपने ही चावल खाऊंगा तेरा सांग करे है ठीक है ये पूरी कितनी दूध के ले 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 भी लूंगा मैं एक रोटी तो वैसे लो ले तो ले 10-12 रोटी बना ले ठीक है रख ले वैसे मम्मी ने रख ली है रोटी भाई खाना लगा लिया आ जाए बूठा उड़े देवी रोटी ठीक है देती है खाना खा रहे हैं मम्मी ने खाना खा लिया आसो क्या पियो मम्मी आज इन्हें बेरा के कर रहा आज इनकी के प्लानिंग हुई ने बोले बोला आ देखिए आज तने रोटी ना बनानी पड़े देखिए तेरी के लिए करूंगा न्यू है मैं तेरे तो तेरे पर रोटी ना बनवा आज मैं देखे किसी प्लानिंग करूंगा मैं माँ क्यों यार केक क्यों कर केक रोगे मिला बस तू ना पेट में कोटे दे के लोटी रही है जो कर मैं को बुला नहीं हुआ हाँ बड़े जी ये माँ ठीक से है आप आए ना आप तो देख ले फिर के कहते ही पेट में दर्द हो गया पथरी हो गई नहीं हो गया आप रोटी बनवा कर ही कौन से देख लो प्रैंक करे आपका रोटी मेरा प्लान नहीं था था मैं खुद नहीं बनाऊंगी मैंने तो बेरा आपका बुखार हो रहा था तब पेट अच्छा मैं फिर बताइयो मैंने न्यू बेरा भैया आपका बुखार हो रहा है दे काम ना करती आ रही बीमारी की हो रही है तो मैं करवा सकूं ऐसा काम कही है मैंने मैंने तो पहला बताया भैया आपकी तबियत डाउन है इनकी प्लानिंग थी सारी इनने कही है मैंने भी कही थी
मन्ने भी कही थी मैं। तू भी कहीं काम बंद बता दिया। मैं कही थी मैं क्या घूमे थी पुरानी पाई दे मेरे मम्मी मैं तीन करा घबराना तो मेरी आमा मिला लिया माँ ठीक से आई इतना सियाना है वो लोग भी मेरे पे सूट करवा गया इसी सी बात का तूने नु कह दिए है और अपनी प्लानिंग कर यो गोदी में और एक कोस को उधार लिया मैंने मम्मी ने कही थी मैं थी तो मैं क्या करूं मम्मी ने जो है ने मां जानता है आराम करिए लौट के नु आराम कर और मां रोटी कर ले देखो ये भी आस है मम्मी ने सर पे मना सा मार लिया तो क्यों बोलते हैं ने लगाई थी मेरे भी माए माखी मरा है इसकी प्रारंभी मन्ने की मैं निकला था लोग मेरी नाती मी की थी इन ने कही थी के बात थक गया तो नहीं बता दिया मम्मी मेरा जी ना कर रहा मैं वो कोई दूंगी अरे मैंने कह दे कही आपकी रोटी बनाने की जिस दिन जी करो तो ना आप चूल्हे पर बनवा लूं मैं वो कोई दूंगी गैस पे तो मैं वो खड़ी खड़ी बना दूं मम्मी आज मेरा जी ना कर रहा जी मत का डरो मैं मारू जी गैस पे तो मैं वो खड़ी खड़ी बना दूं जी दंजी करो तो चूल्हे पे बनवा लूं मैं ना कर रहा रोटी बनाना इन ने करवाया मैं सब क्यों मैं तो वैसे अभी ये देख लो फिर से खा रही है चावल नट्टी थी चावल ना खाने ठंडे हो वैसे भी ठंड लग रही है उसके ये बारी पड़ेगी जो आज तने प्रैंक किया था गाय जे इसने ना फ्रिज में ना दे और मम्मी ने सोचा सच में हो रहा था इसके सच में कुछ ना हो रहा था मम्मी प्रैंक था ये पर वो सारी वीडियो देखी कल मैं तो खाट पर लौटा था आराम से टी वी देखूँ था लोग देख रहा था किसी का और रोटी पवान वाली को बात थोड़ी थी हाँ कितनी रोटी बनी 8-7 रोटी बनी होंगी फिर दो रोटी मैंने खाई है 2-3 दिन अपनी खाई होंगी प्रैंक कर रखा था इसने नेक्स्ट टाइम मैं करूँगा भाई कमेंट करके बताइयो कैसी लगी आपने अगली बार कुछ कमी हो तो वो बता दियो इससे अगली बार और तगड़ा करेंगे देख लो क्या उसका आवाज जाज उस कोण में दाड़ा आ लिया हां उस कोण में दाड़ा आ लिया उड़ उड़ के यू क्या सारा नहीं है मम्मी इसने देखो इसने क्या उसकी याद आवे क्या उसकी याद में आवे क्या उसकी डाले नहीं वो जो हट लगा है देखो कौन रहे क्या तो उठा ले पंखा चल रहा उठा लेगा इसने भी पंखा चल रहा ना के पैर पर क्रांति लेके आए थे हम पहले हम वैसे लेके आए गैस वाले पर वो को नहीं मजा आया उनमें हवा वाले थे ये गैस वाला है तो ये अपने आप उड़े देखो इसका तो हमने आधा और मतलब ये जो यो धागा काट दिया क्योंकि ज्यादा लंबा था